गाइस वेलकम टू जासना स्पॉट। तो ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग। मम्मी ऊपर जा रहे हैं नहाने के लिए, तो ये रहे देख सकते हैं। तो मैं आपको नहाने के बाद मिलता हूँ, बाय। तो गाइस मैं नहा धो कर आ चुका हूँ, तो पहले मैं बात सब करता हूँ। तो पहले पहले नाश्ता करते हैं। तो गाइस मैं नाश्ता करता हूँ, बहुत ही गर्म है। ये हमारे पौधे हैं। तो अब मैं बाल्टी में पानी भर लिया, इस डब्बे में पाकर रखा था, थोड़ा दे देते हैं। तो थोड़ा सा पानी और ले आते हैं आगे जाकर, थोड़ा इनको भी पानी पाते हैं। तो भाई सबका पानी गल चुका है, तो अब चलते हैं नीचे। तो बहुत बहुत गर्मी हो रही है, तो इन सब चीज़ों पर नीचे रख कर फिर नीचे जल्दी से चलते हैं। तो अब मुड़े चलते हैं। हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब अवर चैनल कर। तो अभी हमने सुबह भी पौधों को पानी पाया था, अब भी उनको पानी पाते हैं। तो हम बाकी बढ़ गए हैं। गर्म आ रहा है इसमें से पानी, गर्म सुबह से धूप हो रही है, इतना पानी बहुत है। तो गाइस ये आज हमारे पास ये छोटा वाला पाइप है, इनसे पानी देंगे। इसका एक ये एंड है, एक पानी में हमने डाला हुआ है। तो इसमें से पानी ऐसे आएगा, पहले इसमें से हमें फूंक मारनी है, फिर हमें खींचना है, ये अपने आप पानी आ जाएगा। मैं उस तरह करूंगा। तो गाइस मैं अब इसमें फूंक मारूंगा, ये पाइप बाहर निकल गया, इसको हम अच्छी से अंदर डाल देते हैं। ये थोड़ी सी फूंक अंदर, यहां से पानी आने लग गया थोड़ा थोड़ा, इसमें इसको छोड़ देते हैं। इसमें इतना ही भाड़ा, थोड़ा थोड़ा पानी आने लग चुका है, थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर जब मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये पानी वापस चल जाता है। तो इनसे पानी पाते हैं जल्दी से, तो पानी वापस जा रहा है, इसमें से पानी नहीं जा रहा, कभी ऊपर आया जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो गाइस इसमें से पानी नहीं पी रहा, कभी ये यहाँ हो जाता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो इससे काम नहीं चलेगा, इसमें ना प्रेशर है। इसको बाहर भेज देते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। ये किसी काम का नहीं है, तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसका स्विच को पानी पा देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी निकल चुका है, इसको ले चलते होंगे। तो हम इसको आगे रखकर फिर पीछे आते हैं। तो आपको मैंने एक चीज दिखाई थी, तो जो ये वाला स्टॉप है, तो इसको हम जब टच करते हैं, थोड़ी देर उसको छोड़ने के बाद ये अपने आप बंद हो जाता है। तो ये वो वाला फ्रॉग है। तो अगर मैं इसके पत्ते को ऐसे एक बार बंद करूं, सारे पत्तों को, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, आगे जाकर फिर पीछे आएंगे। तो ये वाला फ्रॉग बंद हो चुका हुआ है, होगा। तो एक ये हमारे पास दो है, एक ये छोटा है, तो एक हमारे पास बड़ा भी है। तो ये है वो, इसके साथ जो ये वाले पत्ते हैं, ये वाले पत्ते और ये वाले पत्ते इसके बंद हुए हुए हैं। ये इससे थोड़ा बड़ा है, एक ये वाला भी हमारे पास लगा हुआ है। तो गाइस मैं इसके ऊपर गिर गई थी, तो पा लेता हूँ। गाइस तो मैं स्केटिंग करूँगा, तो इसमें मैं बूट चेक कर रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं इसको पैक करूँगा। तो ये वाली इसकी, या तो ये वाली इसकी चाबी है, इसको इससे पैक कर देता हूँ। हमारे बहुत मेरे स्केट बहुत ही मेहनत से ठीक हुए हैं, इसका नट खुला नहीं, इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। इसको हमने बड़ा कर दिया है थोड़ा सा, फिर भी ये फिट नहीं आ रहा था, इसलिए। तो इसकी जो चाबी थी हमें मिली थी इसके साथ, तो वो इसको घुमा नहीं, इसलिए हम ये पूरी मिस्त्री सॉल्व करने के लिए हम ये पूरा डब्बा उठा लिया है। भी देख लेते हैं कहीं से ये ठीक होता है। तो जल्दी से मैं जूते पहनता हूँ।
नीचे जाकर फिर से रेस्ट कर फिर हम ब्लॉग को एंड कर देंगे।